आखिरी सवाल आपसे कि गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं, इनके मन में एक सवाल है माननीय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्यान्ह। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों के ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी माननीय, कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूं, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश, इतना मुझे पक्का लगता है, अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए, क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की ही होती है। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप पढ़ते रहिए, सीखने की कोशिश करिए, पूरा फोकस लर्निंग पर रखिए, भीतर के विद्यार्थियों को जितना ऊर्जावान बना सकते हैं बनाते रहिए। यही जीवन का धर्म बना करके चलिए। एग्जाम और रिजल्ट और अंक ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपने काम किया है, जो रिजल्ट आएगा आएगा। अंक के हिसाब से चलने से हम शायद उस चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते जो पढ़ना चाहते हैं। राजनीति में भी मैं इसी सिद्धांत पे चलता हूं कि 125 करोड़ देशवासियों के लिए जितना मेरे पास समय है, जितना हमारे पास शक्ति है, जितनी मेरे पास ऊर्जा है, जितनी मेरे पास दिमागी सामर्थ्य है, सब कुछ 125 करोड़ देशवासियों के लिए खपाता रहूं हर पल। समय का क्षण क्षण, शरीर का कण कण 125 करोड़ देशवासियों के लिए लगाता रहूं। चुनाव आएंगे जाएंगे वो तो सब बाय प्रोडक्ट होता है जी।